दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि पंजाब के कई इलाकों से दिल्ली के लिए निकले हजारों किसान, 2 फरवरी तक ऐतिहासिक भीड़ का दावा। जी आपको बता दें कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हिंसा के बाद जिस किसान आंदोलन को कमजोर मान लिया गया था, अब उसमें एक बार फिर से गर्मजोशी नजर आने लगी है। शनिवार को कई क्षेत्रों के किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने गाँव से निकले हैं। पंजाब से किसानों के कई समूह राष्ट्रीय राजधानी की ओर रुख करने लगे हैं। यहाँ कई जगहों से किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर जाते दिखे। कई जगहों पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए हैं। कई किसान नेताओं ने शनिवार को दावा किया है कि आधिकारिक किसान समूह दिल्ली जा रहे हैं और 2 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर किसान संगठनों और कृषि मजदूरों का रिकॉर्ड जमावड़ा होगा। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलवीर सिंह राज्यवाल ने कहा कि उन्हें दिल्ली की सीमाओं पर 2 फरवरी को भारी तादाद की उम्मीद है। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है कि अनशन से पीछे हटने पर अन्ना पर शिवसेना ने कसा तंज, कहा यह अपेक्षित था। जी हां आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे को लेकर पहले भूख हड़ताल की घोषणा करने और फिर कुछ ही घंटों में इससे पीछे हटने पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की आलोचना करते हुए शिवसेना ने शनिवार को कहा कि ये तो अपेक्षित था। हजारे ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में बेमियादी हड़ताल की घोषणा शुक्रवार को की थी, लेकिन बाद में उन्होंने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ बातचीत के बाद फैसला बदल लिया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय के अनुसार यह घटनाक्रम मजेदार रहा लेकिन अपेक्षित था। पार्टी ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि केंद्र सरकार के विवादास्पद कृषि कानूनों पर हजारे का रुख क्या है। उसने कहा प्रदर्शनकारी किसानों को निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है वह हैरान करने वाला है। और दूसरों में अगली खबर निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल से। जी आपको बता दें कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी को करारा झटका, राजीव बनर्जी सहित टीएमसी के 5 नेता बीजेपी में हुए शामिल। जी हां हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं, ऐसे में राजनीतिक गर्मी तेज हो गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी को करारा झटका लगा है। शनिवार को राजीव बनर्जी समेत 5 पूर्व टीएमसी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि राजीव बनर्जी ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी थी। उनके साथ विधायक प्रबीर घोषाल और वैशाली डालमिया तथा हावड़ा के पूर्व मेयर रतिन चक्रवर्ती और रुद्रनील घोष एक विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे और भाजपा के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस मुलाकात के बाद कहा वे लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक शाह ने खुद फोन कर बनर्जी से बात की और बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया। पहले गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे थे लेकिन दिल्ली में हुए धमाके के चलते उनका दौरा रद्द हो गया। वहां टीएमसी के बागी विधायकों का बीजेपी में शामिल होना तय माना जा रहा था और शाह का बंगाल दौरा स्थगित होने के बाद ये 5 नेता कल शाम तक दिल्ली पहुंचे और शाम करीब 7 बजे के आसपास सभी बीजेपी में शामिल हो गए। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही जो कि किसान आंदोलन को लेकर है। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का ऐलान, कहा बगैर टोपी झंडे के किसानों के साथ खड़े रहेंगे आप कार्यकर्ता। जी हां बात कर रहे हैं कि गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के लाल किले पर हुए बवाल के बाद माना जा रहा था कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया। कई जगह चल रहे धरने समाप्त भी हुए लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर किसान एक बार फिर एकजुट हो गए और धरना प्रदर्शन पुरानी रफ्तार पकड़ चुका है। इस बीच आम आदमी पार्टी की पार्टी भी किसानों के समर्थन में उतर आई है। आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन का सड़क से संसद तक समर्थन करने का ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि आप कार्यकर्ता बिना पार्टी के झंडे और टोपी के किसानों के साथ खड़े होंगे। बता दें कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धरने में किसानों के लिए दिल्ली से पानी और शौचालय की व्यवस्था कराकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर मौजूदा हालातों का जायजा ले चुके हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर।
और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि कंगना रनौत ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर नाथूराम गोडसे के सपोर्ट में किया ट्वीट, यूजर्स ने लगाई क्लास। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पिछले कई दिनों से अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बनी हुई है। कंगना रनौत अपनी फिल्मों के बजाय सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के कारण हमेशा विवादों में बनी रहती है। एक बार कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ ऐसा पोस्ट करते शेयर कुछ कर लिखा है जिसको लेकर वो फिर चर्चा में आ गई हैं। दरअसल कंगना रनौत ने महात्मा गांधी के शनिवार 30 सितंबर को शहीद दिवस के अवसर पर गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की फोटो पोस्ट करके एक ट्वीट किया, जिसके बाद कंगना रनौत पर लोग जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं। हमेशा अपने विवादित बयानों के कारण बवाल मचाने वाली कंगना रनौत ने एक तरफ से इस ट्वीट में महात्मा गांधी की हत्या ने नाथूराम गोडसे का समर्थन किया है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की तस्वीर और हैशटैग के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, हर कहानी के तीन पहलू होते हैं, एक आपका, एक मेरा और एक सच। अच्छी कहानी कहने वाला ना तो बंधा होता है और ना ही कुछ छिपाता है, और इसलिए हमारी किताबें बेकार हैं, पूरी तरह दिखावा करने वाली। आपको बता दें कंगना के इस ट्वीट पर लोग जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं। यूजर्स कंगना की आलोचना करते हुए अपना जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब कंगना अपनी पोस्ट के कारण चर्चा में है। इससे पहले कंगना अन्य कई असामयिक विषयों पर ट्वीट करती आई हैं। कंगना रनौत जल्द इस फिल्म में भी नजर आएंगी। वहीं कंगना की आने वाली फिल्मों की बात करें तो कंगना रनौत जल्द ही तमिलनाडु की दिवंगत सीएम जयललिता के किरदार में थलादवी में नजर आएंगी। इसके अलावा कंगना रनौत धाकड़ में एक सीक्रेट सर्विस एजेंट और फिल्म तेजस में भारतीय वायुसेना की फाइटर पायलट की भूमिका में नजर आएंगी। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि देश के इन राज्यों में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, जाने क्या है गाइडलाइन। जी हम बात करें कि देश में कोरोना संक्रमण के कम होते मामले के बीच अब अधिकतर राज्यों ने स्कूल खोले जाने का ऐलान कर दिया है। कई राज्यों ने कक्षा 10 से 12वीं तक के स्कूल पहले ही खोल दिए थे, वहीं अब कक्षा 1 और 2 के छात्रों के लिए भी फरवरी महीने से स्कूल खोले जाने की तैयारी है। कोरोना महामारी के कारण 10 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद कई राज्यों में 1 फरवरी से फिर से खुलने की तैयारी है। स्कूलों को खोलने का निर्णय देश में कोरोना वायरस मामलों की संख्या में लगातार गिरावट को देखते लिया जा रहा है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कई राज्यों ने जनवरी के महीने में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए स्वैच्छिक आधार पर कक्षाएं फिर से शुरू की थी। जानिए वो राज्य हैं जहां 1 फरवरी से स्कूल खोले जाने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे और पुणे जिले में 27 जनवरी और 1 फरवरी से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। दोनों जिले में नगर निगमों ने सख्त कोरोना के दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुणे नगर निगम ने 1 फरवरी से कक्षा 5वीं से 8वीं तक के स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है, जबकि ठाणे में कक्षा 5वीं से 8वीं के छात्रों को 27 जनवरी से स्कूल खोले गए हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें, और हमारी पूरी न्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर, और वह अगली खबर में आपको बता दें कि अन्ना हजारे के अनशन से पीछे हटने पर डायरेक्टर हंसल मेहता ने कसा तंज, बोले समर्थन देना मेरी गलती। जी हम बात करें बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर हंसल मेहता अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाने वाले। हंसल मेहता ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे द्वारा केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन के फैसले को टालने पर प्रतिक्रिया दी है। हंसल मेहता ने अन्ना हजारे के आंदोलन को अपना समर्थन देने को लेकर कहा है कि ये उनकी गलती थी। इसके साथ उन्होंने कंगना रनौत पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि डायरेक्टर हंसल मेहता ने शनिवार को ट्वीट में लिखा कि मैंने विश्वास के साथ अन्ना हजारे को सपोर्ट किया था, जैसे अरविंद केजरीवाल को किया था। मुझे इस बात का दुख या पछतावा नहीं है, हम सभी गलतियां करते हैं, मैंने भी सिमरन बनाई थी। हंसल मेहता ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद अन्ना हजारे की ओर से आमरण अनशन को वापस ले जाने की खबर को लेकर भी एक अन्य ट्वीट में रिएक्शन दिया है। हंसल मेहता ने उस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लाफिंग इमोजी पोस्ट किया है। अन्ना ने वापस लिया अनशन। बता दें कि अन्ना हजारे ने घोषणा की थी कि वे केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ शनिवार को महाराष्ट्र में अपने गांव रालेगंज सिद्धी में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। हालांकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से मुलाकात के बाद अन्ना हजारे ने अपने अनशन को टालने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद लोग लगातार अन्ना हजारे को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि अपने ट्वीट में हंसल मेहता ने अप्रत्यक्ष
तौर पर एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी निशाने पर लिया है। दरअसल हंसल मेहता की इस फिल्म में कंगना रनौत लीड रोल में थी। बता दें कि कंगना रनौत लगातार बीजेपी के सपोर्ट में किसानों और अन्य पार्टी के नेताओं पर ट्विटर के जरिए निशाना साधती रहती हैं। कंगना रनौत को लेकर फिल्म सिमरन 2017 डायरेक्टर कर चुके हंसल मेहता की माने तो एक्ट्रेस के साथ काम करने का उनका अनुभव दर्दनाक रहा था। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने उन पर निशाना साधते हुए उन्हें कायर और रीढ़ से कमजोर करार दिया था। एक इंटरव्यू में हंसल मेहता ने कहा था, मुझे कई बार लगता है कि मैंने उसे नहीं बनाया, वह मेरी जरूरत नहीं थी, वह मेरे करियर में एक गैर जरूरी चीज थी, मैं उससे दुखी हूँ, मैं इससे कहीं अच्छा मूवी बना सकता था, उसमें एक अच्छी फिल्म होने की क्षमता थी, मैं उसे लेकर दुखी हूँ और ये कठिन समय है। फिल्म के रिलीज होने के बाद मुझे थेरेपी लेनी पड़ी थी और उससे मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा था। और दूसरी अगली खबर में जान लेते हैं देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड जारी, यूपी और दिल्ली में शीतलहर से राहत नहीं। जी हम बात करें कि देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब समेत कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर से आम जनजीवन प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भीषण बर्फबारी के आसार जाहिर किए हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में कोहरे के साथ शीतलहर के अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ मध्य प्रदेश में भी शीतलहर होने के आसार जताए हैं। साथ ही ओडिशा में भी कोहरा पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में गरज के साथ बिजली भी चमक सकती है और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।